शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत चीन के बीच तकरार अभी भी जारी है, किंतु नरेंद्र मोदी ने चीन के लिए अभी भी स्पष्ट रुख नहीं किया है। मेट्रो को लेकर अभी भी आम आदमी पार्टी की ओर से विरोध किया गया। आम आदमी पार्टी के मुख्य नागपुर के नेता देवेंद्र वानखेड़े हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। वानखेड़े जी, ये बताएं कि जिस प्रकार से कल चाइना का जो विरोध किया गया है और खासतौर पर मेट्रो का जो विषय था, क्या कहना चाहोगे? नहीं, एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम चाइना के खिलाफ कोई व्यवहार नहीं करेंगे, और जनता को बार बार आह्वान किया जाता है कि चाइना के खिलौने मत लो, चाइना का मांजा मत लो, चाइना की पतंग मत लो। जनता तो मान लेगी कि चाइना से कोई चीज़ जो आती है, बाजार में आती है, वो चीज़ नहीं खरीदेगी। लेकिन जब चाइना से माल इंपोर्ट होता है, वहाँ पे ही सरकार ने उसके ऊपर पाबंदी लगाना चाहिए। दूसरी महत्व की बात है कि सरकार एक के बाद एक, छः साल में मोदी सरकार ने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट चाइना के साथ किए हैं, और आपको मालूम है कि स्वदेशी का आंदोलन जो चला है पूरे देश के अंदर, विदर्भ से चला है, उसमें नागपुर से चला है, नागपुर में आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग भी कई सालों से स्वदेशी का आंदोलन चला रहे थे, और जब बीजेपी वाले सत्ता में आ गए, आरएसएस वाले सत्ता में आ गए, तो हमारे नागपुर में जो मेट्रो अभी चलती हुई दिख रही है हमारे को, वो मेट्रो भी चाइना की लेके आए। अरे, एक तरफ जनता को बोलना है कि आप खिलौना मत खरीदो, दूसरे तरफ चाइना से हम मेट्रो लाएंगे, कई सारी चीज़ें हम खरीद के लाएंगे, बड़े बड़े उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक्चुअल एक तरफ बोलते हैं कि वो लोग हमारे अंदर आए नहीं, दूसरी तरफ बोलते हैं वो पीछे चले गए, 2 किलोमीटर पीछे चले गए। तो मामला क्या है ये जनता को बताना चाहिए, इसमें सच्चाई क्या है, वो जब तक जनता के सामने नहीं आएगी, ये खाली पाकिस्तान के साथ भी इसी प्रकार से करते रहते, चाइना के साथ भी अभी जो मामला हो रहा है वो भी मामला इसी प्रकार से हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और जनता के सामने सच्चाई आना चाहिए, और सरकार ने भी चाइना के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, और चाइना माल का पूरा विरोध होना चाहिए। नागपुर का मेट्रो भी जो अभी बाकी है वो चाइना से नहीं आना चाहिए। हमारे देश में कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं, कई सारी इंडस्ट्री है जो अच्छी मेट्रो बनाती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। भ्रष्टाचार के चक्कर में ये लोग सब उल्टा सीधा कर रहे हैं, और चाइना को आर्थिक लाभ पहुंचाने का काम बड़े पैमाने पे मोदी सरकार कर रही, ये रुकना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो इस प्रकार का आरोप आम आदमी पार्टी के नागपुर के नेता देवेंद्र वानखेड़े इन्होंने लगाया। इनका यह मानना है कि देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी द्वारा जिस प्रकार से ये कामकाज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं चाइना को एक प्रकार से मदद की जा रही है, खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग, कुछ इस तरह की बात इन्होंने की है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इन बीसीएन न्यूज नागपुर।